देख सकते हैं कि जो 2021 का जो मॉडल था बलेनो और ग्लांजा दोनों का, वो काफ़ी हद तक सेम था। इस बार लेकिन हम देख सकते हैं कि इन्होंने ग्लांजा में टोयोटा वालों ने थोड़ा डिफरेंट ट्रिम देने की कोशिश करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार्बन ट्रिम है, इस बार इनकी ग्रिल भी अलग लिख रही है, बम्पर भी थोड़ा अलग है, और यहाँ से आप सीधे सीधे इनका रेडिएटर देख सकते हैं। और हालांकि एक्चुअली कार्बन फाइबर तो नहीं होगा, लेकिन देखने में बिल्कुल कार्बन फाइबर जैसा है, तो इट्स अ गुड लुक। तो अभी हम बैठे हैं ग्लांजा के एस वेरिएंट में, और हालांकि इसके जो डैशबोर्ड ट्रिम है वो काफ़ी हद तक सारी ग्लांजा से मिलता जुलता है, और लेकिन इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि बलेनो, और जैसा आपको पता है कि बलेनो और ग्लांजा शेयर्ड प्लेटफॉर्म पर बनी है, तो बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो दोनों शेयर करती हैं, और वो कंपोनेंट्स हैं आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एक 9-inch इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ये सेम है बलेनो और ग्लांजा में, इनफैक्ट गियर शिफ्टर भी सेम है, एयर कंडीशनर कंट्रोल्स भी सेम है, और जो डिफरेंस है मेन वो दिखता है डैशबोर्ड में। जैसे कि बलेनो में है एक नॉर्मल सिल्वर ट्रिम के ऊपर ब्लैक, और नीचे एक ब्लू कलर का ट्रिम दे रखा है उन्होंने, यहाँ टोटली डिफरेंट है, ऊपर एक मैट ब्लैक ट्रिम है, बीच में एक ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम जो कि टू बी ऑनेस्ट फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, और उसके नीचे एक बेज कलर में मैट फिनिश में थोड़ा रफ ट्रिम। तो काफ़ी अपीलिंग लग रहा है इसका इंटीरियर, और जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेयरिंग में टोयोटा का साइन है, और वट लुक्स लाइक इंफोटेनमेंट कंट्रोलर, और तो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसमें। हमें इतना पता ही, दिस इज़ नॉट द टॉप वेरिएंट, तो टॉप वेरिएंट में हमें एक हेडसअप डिस्प्ले भी मिलेगा, तो जैसे ही टॉप वेरिएंट अनवेल होता है हम जाते हैं उसके पास और आपको बताते हैं क्या क्या है उसमें। तो अभी हम थे ग्लांजा की फ्रंट सीट पे, अब हम आएंगे बैक सीट पे, और हम देखेंगे कि यहाँ क्या स्टेटस है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मेरी हाइट 5'10" है, और काफ़ी एम्पल, और जो आगे की सीट है वो भी मेरी हाइट के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर रखी थी, तो काफ़ी एम्पल लेग रूम है, और हेड रूम हाँ मैं कहूँगा उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरी हाइट से हल्का सा भी छोटा इंसान बैठता है तो उसके लिए काफ़ी है, और ऑल टुगेदर सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। हाँ, एक चीज़ की इसमें कमी है, जैसा कि और गाड़ियों में आता है यूजुअली इस एरिया में एक हैंड रेस्ट आता है जो पीछे वालों के लिए होता है, इनकेस आप 4 लोग हैं गाड़ी में, इसमें वो अवेलेबल नहीं है, इसमें सिर्फ आपका बीच में इन्होंने कुशन दे रखा है, तो दैट मीन्स कि आप 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं इसमें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल टुगेदर सीट पीछे की कंफर्टेबल है काफ़ी। अब हम जाते हैं बूट के पास, उसके बाद हम जाएंगे बोनट पे, और फिर आपको कुछ स्पेक्स बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी बूट स्पेस भी एक हैचबैक के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी इसमें एक इंसान आराम से बैठ सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी बूट स्पेस दे रखी है इन्होंने। हाँ, और फोल्डेबल सीट्स हैं, तो अगर आपको कभी भी इसकी बूट स्पेस बढ़ानी है तो आप इसको सीट फोल्ड करके अपना कोई भी कार्गो या लगेज ले जा सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि ये शेयर्ड प्लेटफॉर्म पर बनी है, तो शेयर्ड प्लेटफॉर्म की वजह से काफ़ी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सेम होते हैं, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, आगे काफ़ी फ़र्क देखा गया है इस बार। पीछे ऑन दी अदर हैंड उतना कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जो बैक लाइट कटआउट है ब्रेक लाइट का, ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है, साइड से थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसा इतना ज़्यादा नहीं कि आप उसको आसानी से देख पाएँ। तो इस बार टोयोटा ने ग्लांजा में 1.2 लीटर इनलाइन 4 इंजन दे रखा है, और जो प्रोड्यूस करता है 90 हॉर्स पावर और 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 4400 आरपीएम, और ऑल इन ऑल इंजन यूनिट काफ़ी अच्छा है, मिनिमल है, और काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंजन है, ये ट्रांसमिशन है,
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में इन्होंने क्रोम को एक्सेसिव यूज़ करा है, हेडलाइट्स में क्रोम है, फॉग लैंप्स के पास क्रोम है, ऊपर ग्रिल में क्रोम है, और इस कार्बन फाइबर के पीस की वजह से काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में हो जा रहा है इसका लुक, और तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ शायद इसमें प्रोजेक्टर लैंप्स भी लगे हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड पैकेज। तो अभी हम थे टोयोटा कमर्शियल में जो कि बरेली रोड में है, हल्द्वानी में, और हमने आपको दिखाया कि ग्लांजा कैसी कार है। यहाँ पे इवेंट था अभी, हमने वो अटेंड करा और हमने आपको दिखाया कि ग्लांजा कैसी कार है। वॉक अराउंड था ये, अभी हमें टेस्ट ड्राइव नहीं मिल पाई है। टेस्ट ड्राइव मिलती है तो हम ज़रूर टेस्ट ड्राइव लेंगे और आपको बताएंगे कि चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है इसका। तो आखिरकार जो क्वेश्चन है वो यह है, आप बलेनो या फिर ग्लांजा? देखिए, बात सब इतनी है कि दोनों शेयर्ड प्लेटफॉर्म से बनी है, दोनों डिफरेंट कंपनी से भले ही बनाई है लेकिन उन दोनों की रेपुटेशन ऑल टुगेदर सेम है। और जो बात यहाँ पर रह जाती है कि आप कौन सी गाड़ी लें, वो सिर्फ जाती है इसके लुक्स पे। और हाँ, एक और चीज़, बलेनो आपको दे रहा है एक साल, बलेनो आपको दे रहा है 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी। ऑन दी अदर हैंड टोयोटा आपको दे रहा है 2 साल और 1,00,000 किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी, और आप चाहें तो इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, और वो भी टोयोटा आपको ज़्यादा दे रहा है 5 साल की 2,20,000 की वारंटी, और बलेनो आपको देगी 5 साल की 1,00,000 किलोमीटर्स की वारंटी। तो अभी हम हैं टोयोटा ग्लांजा में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज़ द टॉप मॉडल, ये वी मॉडल है, ये टॉप मॉडल है जो टोयोटा ग्लांजा के वेरिएंट्स में देता है। और टू बी ऑनेस्ट, ये बाकी सबसे इसका इंटीरियर भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, इसमें प्रीमियम फील एक आ रहा है, लेदर स्टेयरिंग हर चीज़ में एक प्रीमियम फील आ रहा है। और ये वो मॉडल है जिसमें हेडसअप डिस्प्ले और 360 व्यू कैमरा एंगल है, तो उसका भी हम आपको देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 360 व्यू आपकी गाड़ी का, और ये हमें बैक दिखा रहा है। तो इस कार में टोटल 4 डायरेक्शंस में सारे डायरेक्शन में कैमरे लगे हुए हैं, तो वो आपको एक मर्ज करके 360 व्यू दिखाता है जिससे आप इजीली पार्किंग। अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कॉर्नर्स जो हैं ये सिक्योरिटी के लिए हैं, ये प्रिकॉशन के लिए हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आप कैसे पार्क कर रहे हैं, आपके लेफ्ट में कितनी जगह है, आपके राइट में कितनी जगह है। यह है 360 व्यू जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये आपको गाड़ी का पूरा दे रहा है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक क्या है आपकी गाड़ी के आगे पीछे, ये देखिए जैसा आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा स्टेयरिंग कॉलम में भी थोड़ा फ़र्क है। उन सारी मॉडल्स में हमने देखा था कि सिर्फ वॉल्यूम बटन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे थे, इसमें यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल भी है। हाँ, तो जैसा कि क्रूज़ कंट्रोल एक फीचर होता है जिसमें आप बिना तीनों पैडल टच करें गाड़ी चलती रहेगी, आप एक उसकी डेजिग्नेटेड स्पीड पे आप चलाते रहेंगे उसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिल जाती है, रेंज होता है आपकी कितनी गाड़ी चलेगी किलोमीटर में, अब एवरेज इसमें 3.3 किलोमीटर पर लीटर लिखा हुआ है, अभी स्मार्टफोन कोई कनेक्टेड है नहीं। अभी हम इसमें देखेंगे इसका जो मेन डिफाइनिंग फीचर है जो बाकी सारी ग्लांजा से इसको अलग करता है या फिर इस सेगमेंट की कार से इसको अलग करता है, वो है इसका हेडसअप डिस्प्ले। तो अभी हम इसका हेडसअप डिस्प्ले ऑन करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार का डिफाइनिंग फीचर जिसकी तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं टोयोटा वाले, मार्केटिंग इसकी जिस बेसिस पे हो रही है वो ये है, यह है HUD और हेडसअप डिस्प्ले। तो इसका मेन फ़ायदा यह है कि आप रोड पे चलाते चलाते आपको अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधे सीधे अपने HUD पे देख के स्पीड, टाइम और पेट्रोल कितना बचा है ये आसानी से बता सकते हैं। ये आपको हाँ फालतू एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन नहीं देता जितना एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देता है, लेकिन ये सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। यह है हमारा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, यह है हमारा एयरकॉन कंट्रोल्स, आप देख सकते हैं। हाँ, ये भी एक मैनुअल शिफ्ट में ही है, अभी हमें लगता है ऑटोमेटिक शिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल है नहीं अभी, अगर वो जब अवेलेबल होती है हम उसका भी आपको एक रिव्यू देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में बाकी ग्लांजा से इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन इसमें फॉग लैंप्स हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया और ग्लांजा की तरह इसमें ही प्रोजेक्टर हेड लैंप्स हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताया कि इसमें कैमराज हैं। तो फ्रंट का कैमरा जो है 360 व्यू कैमरा वो ये है, आइए हम आपको लेके जाते हैं लेफ्ट साइड के और पीछे के कैमराज में। तो अभी हम आ चुके हैं ग्लांजा की साइड में, और आप जैसा देख सकते हैं
यहाँ पे भी एक 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है जो आपको लेफ्ट साइड व्यू देता है। और अब हम चलते हैं इसकी बैक में, साइड से और कोई फ़र्क है नहीं ज़्यादा जो बाकी के वेरिएंट्स में और इस वेरिएंट्स में। हाँ, मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करके दिखाना चाहूँगा कि इस गाड़ी की राइड हाइट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर हैचबैक्स। इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है और आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक में, आप देख सकते हैं हर जगह क्रोम का एक्सेसिवली इन्होंने यूज़ कर रखा है इसको थोड़ा डिस्टिंक्टिव करने के लिए, आई थिंक बलेनो से। और ये हमारा ऑयल टैंक का कवर है और ये है हमारे व्हील्स, दीज आर 16-inch व्हील्स। तो इस सेगमेंट के हिसाब से 16 इंच नॉर्मल है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं है इसमें। आइए अब आपको लेके चलते हैं पीछे। तो ये है ग्लांजा का बूट और इस बूट की कैपेसिटी और ग्लांजा वेरिएंट्स के बराबर ही है, 318 लीटर्स। और जैसा कि और ग्लांजा में भी आपको मिलता है, आप इसको सीट को पीछे गिरा के इसकी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, या फिर ये ट्रे है, इस ट्रे को हटा के। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हर जगह कैमराज हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक कैमरा मिल जाएगा बैक में जो आपका बैक 360 व्यू देता है। और ये चारों कैमरा मर्ज हो गए, चारों अभी तीन ही हुए हैं, चौथा हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी साइड व्यू मिरर में एक कैमरा लगा हुआ है 360 कैमरा, तो ये चारों कैमरा मर्ज हो गया, एक 360 व्यू देते हैं, जिससे आपको बहुत सी आपकी डेली लाइफ जो चीज़ें हैं वो इजी हो जाती हैं, जैसे पार्किंग। और अगर आपकी कोई टाइट स्पेस में पार्किंग हो रखी है तो आप लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सब देख सकते हैं कि क्या कौन सी गाड़ी किधर खड़ी हुई है। स्पेशल टोयोटा हल्द्वानी में, और ये थी द ऑल न्यू कूल टोयोटा ग्लांजा, ऐसा ही टोयोटा इसको मार्केट कर रहा है। तो ये हमारी पहली वीडियो है इस सेगमेंट की, जहाँ पे हम आपको गाड़ियों के बारे में बताएंगे, उनके रिव्यूज़, उनके वॉक अराउंड्स और उनके ड्राइविंग रिव्यूज़ हम आपको सब देंगे। तो बने रहिए JJN के साथ।